नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के वीडियो क्लासरूम में। आज का विषय एलडीसी और प्रमोशन कोटा के द्वारा चयन की जाने वाली जूनियर इंजीनियर पीवी की परीक्षा के लिए विशेष तौर पर उपयोगी है। यह विषय सहायक इंजीनियर की परीक्षाओं के लिए भी आवश्यक है, परंतु जूनियर इंजीनियर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सबसे प्रिय प्रश्नों में से एक है। तो यह वीडियो खासतौर पर से उन ट्रैकमैन मित्रों को समर्पित है जो अपनी नौकरी समर्पण और त्याग के साथ करते हुए जूनियर इंजीनियर बनने का सपना संजोगे हुए तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का विषय, इंचार्ज इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर की अवधि निरीक्षण के शेड्यूल के बारे में। परीक्षा के दृष्टिकोण से नजर डालें तो यह आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन कभी कभी लागू नहीं होते हैं, अर्थात कुछ ऑप्शंस वैसे होते हैं जो कभी भी लागू नहीं होते हैं। सो जब भी प्रश्न एसएससी पीवे इंचार्ज और जूनियर इंजीनियर पीवे सेक्शन के शेड्यूल के बारे में पूछा जाता है तो उन ऑप्शंस में से 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने और 11 महीने वाले ऑप्शंस कभी भी सही नहीं होंगे, अर्थात इन ऑप्शंस को कभी भी हमें नहीं चुनना है। अब याद करने के उद्देश्य शेड्यूल को दो भाग में बांटते हैं। बेस शेड्यूल जो 6 महीने या उससे ऊपर के होंगे और दूसरा शेड्यूल जो 6 महीने से कम के होंगे। 6 महीने या उससे ऊपर के अधिक के वर्ग को सिर्फ 2 शेड्यूल है, जिनमें से कि 6 महीने के शेड्यूल हैं और 12 महीने के शेड्यूल हैं। अब हम देखें बेस शेड्यूल जो 6 महीने से कम के वाले हैं, उन शेड्यूल्स में से जो ऑप्शंस होंगे वे होंगे पहले एज मच एज पॉसिबल, अर्थात टॉली इंस्पेक्शन या अंश इंस्पेक्शन के दौरान जब भी उस वर्क साइट से आप गुजरते हैं तो उन्हें अधिक से अधिक इंस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि उनका संरक्षा के दृष्टिकोण से जो कार्य चल रहा है और नियमों के अनुरूप जो कार्य चल रहा है वो सही है अथवा नहीं है। दूसरा है मिनिमम अबीक, यानी कुछ इंस्पेक्शन वैसे होते हैं जिन्हें चेक करना होता है पर उनके 2 इंस्पेक्शन के दौरान बिटवीन में कम से कम 1 सप्ताह का अंतर होना आवश्यक है। यह खास तौर पर कुछ ट्रैक मशीनों के लिए लागू होता है। अगला है बेस्ड ऑन टीआरसी ओएमएस फुट प्लेट या जेई एसएससी पीवे इंस्पेक्शन, अर्थात दूसरे इंस्पेक्शंस के जो दिखाई गई उनकी कमियां हैं, उनकी रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट में जो कमियां आई है उन रिपोर्ट के आधार पर इंस्पेक्शन करना। और अगला है टीआरसी और ओएमएस रन को एकम्पनी करना। इसके बाद आता है वैसे इंस्पेक्शन जो फोर्थ नाइट लेके जाते हैं, यानी 2 सप्ताह में 1 बार किए जाते हैं। कुछ इंस्पेक्शन वैसे हैं जो कि महीने में 1 बार किए जाते हैं, यानी मंथली इंस्पेक्शन होते हैं, और कुछ बाई मंथली इंस्पेक्शन होते हैं, 2 महीने में 1 बार किए जाते हैं, और कुछ क्वार्टरली इंस्पेक्शन होते हैं जो 3 महीने में 1 बार किए जाते हैं। तो इन फ्रीक्वेंसीज को एक बार मन में बिठा लें। इन फ्रीक्वेंसीज की कुल संख्या 10 है, 8 6 महीने से कम वाले और 2 6 महीने और उससे ज्यादा वाले। तो कुल मिलाकर के 10 ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि आपके प्रश्न पत्रों के ऑप्शंस में से चुनने के लिए काफी होंगे। तो आइए आगे बढ़ें, एक एक करके इन इंस्पेक्शन की के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। एज मच एज पॉसिबल, वे वर्क जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जा रहे हैं, उन सभी इन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे कि आरवीएनएल कंस्ट्रक्शंस के वर्क, तो जब भी इंचार्ज एसएससी पीवे और जेई एसएससी पीवे सेक्शनल जब भी अपने सेक्शन में ट्रॉली इंस्पेक्शन करते हैं या ऑन फुट इंस्पेक्शन करते हैं, उस वक्त उन्हें इन कामों को जितना अधिक से अधिक जांच कर सकते हैं उतना करना चाहिए और यह इंस्पेक्शन इंचार्ज एसएससी पीवे और सेक्शनल एसएससी पीवे दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। दूसरा है एट अ गैप ऑफ मिनिमम 1 वीक, यानी कम से कम 2 जांच के दौरान 2 जांच के बीच में 1 सप्ताह का अंतर होना चाहिए और यह ट्रैक मशीन के संबंध में है कि इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक मशीन, यह भी दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है, यानी इंचार्ज एसएससी पीवे और जेई पीवे सेक्शनल दोनों के लिए समान रूप से लागू है। और तीसरा है बेस्ड ऑन टीआरसी ओएमएस फुट प्लेट और अदर जेई पीवे इंस्पेक्शन, अर्थात इंचार्ज एसएससी पीवे या
फ्रीक्वेंसी सिर्फ इंचार्ज एसएससी पीबी के लागू होती है और खासतौर पर उन कर्व के लिए जो 2 डिग्री से कम है या 2 डिग्री के बराबर है। तो इंचार्ज एसएससी पीबी के लिए 2 डिग्री या उससे कम के डिग्री वाले कर्व के लिए स्पेसिफिक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, परंतु इंचार्ज एसएससी पीबी टीआरसी ओएमएस फुट प्लेट या अदर जेई पीबी इंस्पेक्शन के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर वो अपना शेड्यूल निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि इन कर्व को जांच कर सकते हैं। और चौथा है ए कंपनी इचरण, यह टीआरसी और ओएमएस के संबंध में लागू होता है और यह सिर्फ इंचार्ज एसएससी पीबी के लिए ही सिर्फ लागू है, सेक्शनल जेई पीबी के लिए यह शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं है। अर्थात टीआरसी के प्रत्येक रन में और ओएमएस के प्रत्येक रन में इंचार्ज एसएससी पीबी को साथ में जाना आवश्यक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 शेड्यूल वैसे हैं जो कि इंचार्ज एसएससी पीबी और जेएसएससी पीबी सेक्शनल दोनों के द्वारा किए जाएंगे और 2 शेड्यूल ऐसे हैं जो सिर्फ इंचार्ज एसएससी पीबी के द्वारा किए जाएंगे, जिनमें एक कंपनी इचरन चाहे वो टीआरसी हो या ओएमएस हो और दूसरा कर्व का इंस्पेक्शन जो 2 डिग्री है उससे कम के हैं, ये सिर्फ इंचार्ज के द्वारा किए जाएंगे और बाकी 2 जो वर्क ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक मशीन है यह दोनों के द्वारा किया जाएगा जब भी इंस्पेक्शन वे करेंगे, यानी इंचार्ज एसएससी पीबी के द्वारा या जेई पीबी सेक्शनल के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, बात किया था कि टीआरसी और ओएमएस के प्रत्येक रन के इंचार्ज एसएससी पीबी के द्वारा उसका साथ में एक कंपनी करना होता है। तो यह जान लें कि ट्रैक रिकॉर्डिंग कार यानी टीआरसी कार की शेड्यूल क्या होती है, यानी किस रूट पर के इंचार्ज एसएससी पीबी को कितनी बार जाना पड़ेगा, यानी कितने महीने के बाद टीआरसी रन होगी तो उसके के साथ उसे एक कंपनी करनी पड़ेगी। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे तो एक वे रूट जिनकी गति 130 KMPH से ज्यादा है तो उन रूटों पर प्रत्येक 2 महीने में टीआरसी रन होती है, यानी कि प्रत्येक 2 महीने पर इंचार्ज एसएससी पीबी को उसके साथ जाना होगा। फिर वे रूट जो 110 केएमपीएस से ज्यादा है और अप टू 130 केएमपीएस तक है, यानी 110 केएमपीएस से ज्यादा से लेकर के 130 केएमपीएस तक, वैसे रूटों पर प्रत्येक 3 महीने में टीआरसी रन होती है। नेक्स्ट है 100 केएमपीएस से ज्यादा है और 110 केएमपीएस तक, तो वैसे रूटों पर 4 महीने में 1 बार टीआरसी रन होती है। और वे रूट जहां पर की मैक्सिमम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वहां पर 6 महीने में 1 बार होती है। तो यह इंचार्ज पीडब्ल्यूआई किस सेक्शन में काम कर रहे हैं उसके आधार पर यह निर्भर करेगा कि उन्हें कितनी बार जाना है, अर्थात जितनी बार टीआरसी रन करेगी उतनी बार उन्हें जाना है और टीआरसी कितनी बार रन करेगी यह डिपेंड करता है कि उस सेक्शन का स्पीड बैंड में किस स्पीड बैंड में आता है, यानी कि उस सेक्शन की स्पीड कितनी रखी गई है। दोबारा अगर रिवाइज कर ले कि अगर 100 केएमपीएस तक है तो 6 महीने में 1 बार आएगी, 100 से ज्यादा है 110 तक है तो 4 महीने में 1 बार आएगी, 110 से ज्यादा है और 130 तक है तो 3 महीने में 1 बार आएगी और 130 से ज्यादा है तो 2 महीने में 1 बार आएगी टीआरसी। ध्यान देने की योग्य बात है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी, यानी कि 130 केएमपीएस से अधिक गति वाले मार्गों पर साल भर में 6 बार आएगी, 110 से ज्यादा और 130 तक की गति वाले में 4 बार आएगी, 100 से ज्यादा और 110 तक की गति वाले मार्ग पर 3 बार आएगी और 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति वाले मार्ग पर साल भर में 2 बार टीआरसी रन करेगी। इसी प्रकार देखें हम अगला जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओएमएस, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओएमएस भी स्पीड बैंड पर डिपेंड करता है पर इसमें सिर्फ 2 ही बैंड है। वे रूट जिनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है वहां पर प्रत्येक महीने में और उसके अलावा बाकी अन्य सभी रूटों पर 2 महीने में 1 बार ओएमएस रन कराया जाएगा और इन सभी ओएमएस रन के दौरान इंचार्ज एसएससी पीबी को उनके साथ एक कंपनी करनी होगी। तो चले अब अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड इस बात से कनेक्टेड है कि उन असेट का इंस्पेक्शन जो फोर्थनाइटली की जाते हैं, फोर्टनाइटली वाली फ्रीक्वेंसी का अर्थ है कि असेट या कार्ड को कम अंतराल पर जांच करने की आवश्यकता है। कम अंतराल पर जांच अर्थात असेट या कार्ड की संवेदनशीलता ज्यादा है,
यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन असेट की होती है न कि निरीक्षणकर्ता की। वे असेट जिन्हें जेई अथवा एसएससी पीवी सेक्शन द्वारा फोर्टनाइटली निरीक्षण किया जाता है वे हैं उंडवेरल रेलवे ट्रैक का पैदल निरीक्षण जो 110 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति वाले रूट पर है या मल्टीपल लाइन वाले रूट पर है, और दूसरा है पुस्टोली इंस्पेक्शन यानी कि वे रेलवे ट्रैक जो अन्य रूटों पर हैं और जिनका निरीक्षण पुस्टोली द्वारा करना होता है, अर्थात जेई अथवा एसएससीपीवे सेक्शनल के द्वारा वे रूट जो कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा या अधिक गति वाले मार्ग अथवा मल्टीपल लाइन वाले रूट पर है तो उन पर उनकी पैदल निरीक्षण की आवृत्ति 15 दिनों में फोर्टनाइटली उन्हें करनी होती है। फोर्टनाइटली का विशेष अर्थ होता है 14 दिन में एक बार, सामान्यतः लोग बोलचाल की भाषा में 15 दिन बताते हैं लेकिन फोर्टनाइटली का अर्थ होता है 14 दिन में एक बार अर्थात 2 सप्ताह में एक बार। दूसरा था पुस्टोली इंस्पेक्शन, तो अन्य मार्गों पर पुस्टोली इंस्पेक्शन जो किए जाएंगे वह होगा 15 दिन में एक बार। यहां यह ध्यान देने तथ्य है कि जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीवे सेक्शन के द्वारा 110 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक अथवा मल्टीपल लाइन रूट वाले मार्गों पर पुस्टोली द्वारा इंस्पेक्शन निर्धारित नहीं है, वहां पर सिर्फ फुट निरीक्षण की अनुमति है। अब अगला निरीक्षण है LWR अथवा ACJ की। इस एसेट का निरीक्षण भी फोर्टनाइटली करना होता है परंतु यह निरीक्षण इंचार्ज एवं सेक्शन इंजीनियर द्वारा बारी बारी से 15 दिनों के अंतर पर किया जाता है। यहां ध्यान यह देने योग्य तथ्य यह है कि यह शेड्यूल सिर्फ प्रशासन द्वारा निर्धारित सबसे ठंडे और गर्म महीनों के लिए ही होते हैं, शेष अन्य महीनों के शेड्यूल अलग होते हैं जिनकी चर्चा हम आगे आने वाले स्लाइड में करेंगे। सबसे ठंडे और सबसे गर्म दो दो महीने निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात सबसे ठंडे महीनों में 4 बार इंस्पेक्शन करना होता है हर 15-15 दिन पर, और गर्मी के महीनों में 4 बार इंस्पेक्शन करना होता है 15-15 दिनों पर, जो कि इंचार्ज SSCPB और JE अथवा SSCPB सेक्शनल के द्वारा बारी बारी से किए जाते हैं। अब अगला देखें मॉनसून पेट्रोलिंग और हॉट वेदर पेट्रोलिंग। दो शेड्यूल हैं जो कि मॉनसून पेट्रोलिंग और हॉट वेदर पेट्रोलिंग में हैं। इन शेड्यूल का पालन तभी करना होता है जब पेट्रोलिंग सेक्शन में चल रहे होते हैं, अर्थात मॉनसून अथवा हॉट वेदर पेट्रोलिंग के दौरान पेट्रोलमैन की कार्य विधि सजगता एवं कार्य के प्रति निष्ठा की जांच करने हेतु किया जाता है, और इनका भी शेड्यूल जो है वो है 15 दिनों में एक बार सामान्य बोलचाल की भाषा में, परंतु शेड्यूल के हिसाब से फोर्टनाइटली अर्थात 2 सप्ताह में एक बार किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि सेक्शनल इंजीनियर के द्वारा असेट अथवा कार्य का फोर्टनाइटली इंस्पेक्शन की संख्या कुल 6 है, परंतु इंचार्ज एसएससी के द्वारा इस समय सिर्फ 2 असेट या कार्य की जांच का शेड्यूल किया गया है, जिनमें पहला है लोको अथवा ब्रेक वा यानी ट्रैक की रनिंग और दृश्यता व अन्य की जांच के लिए इंचार्ज इंजीनियर के द्वारा लोको ब्रेक वन अथवा रियर विंडो के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है, और दूसरा है LWR व ACJ का इंस्पेक्शन जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं कि ठंडी के 2 महीनों में 15-15 दिन पर और गर्मी के भी 2 महीनों में 15-15 दिन पर किया जाता है, जो कि प्रशासन द्वारा निर्धारित होते हैं कि वे ठंडी और गर्मी के महीने कौन कौन से हैं। आगे देखें वे उन शेड्यूल के बारे में जो शेड्यूल महीने निर्धारित किए गए हैं अर्थात जिनका निरीक्षण मासिक करना होता है। सेक्शन इंजीनियर द्वारा सिर्फ 1 असेट है जिसका कि मासिक निरीक्षण आवश्यक है। सेक्शन इंजीनियर से तात्पर्य जेई अथवा SSCPB सेक्शनल का है, परंतु उन असेट को इंचार्ज एवं सेक्शनल इंजीनियर के द्वारा बारी बारी से किया जाता है। जैसा कि देखें लोको ब्रेक वन और रियर विंडो इंस्पेक्शन, लोको ब्रेक वन और रियर विंडो इंस्पेक्शन जो किया जाता है वह ट्रैक की जांच करने के लिए, ट्रैक की रनिंग की जांच करने के लिए विशेष तौर पर किया जाता है, दृश्यता की जांच करने के लिए किया जाता है व अन्य चीजों की भी जांच की जाती है उस दौरान में,
जैसे ड्राइवर की पोजीशन, ड्राइवर के द्वारा, सीओ के द्वारा, सीओ का ऑब्जर्वेशन, इन बातों की भी जांच की जाती है। दूसरा होता है लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग और इसके अलावा एक है सैंडहम और डेडिन। लेवल क्रॉसिंग और सैंडहम और डेडिन की जांच मासिक की जाती है, परंतु इंचार्ज एवं सेक्शन इंजीनियर के द्वारा बारी बारी से की जाती है, अर्थात ये दोनों इंस्पेक्शन रोटेशन में किए जाते हैं। अर्थात पहले महीने लेवल क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन अगर जेई अथवा एसएससीपी सेक्शनल के द्वारा किया गया है तो अगला इंस्पेक्शन एसएससीपी इंचार्ज के द्वारा किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर सैंडहम या डेडिन का जांच अगर पहले महीने में इंचार्ज ने किया है तो अगले महीने में जेई अथवा एसएससीपी सेक्शनल के द्वारा किया जाएगा। अर्थात एक सेक्शनल की बारी हर दूसरे महीने आएगी और इंचार्ज की भी बारी दूसरे महीने आएगी, पर असेट का इंस्पेक्शन प्रत्येक मास में ही किया जाएगा। फॉर द सेक ऑफ अगर मंथ अगर हम देखें तो अगर किसी असेट का इंस्पेक्शन पहले महीने में किया गया है तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां और ग्यारहवां हो सकता है जेई एसएससीपी वे सेक्शनल के द्वारा, और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, दसवां और बारहवां इंचार्ज एसएससीपी वे सेक्शनल के द्वारा हो सकता है, या इसका रिवर्स भी हो सकता है। सेक्शनल इंजीनियर के मुकाबले में इंचार्ज का मासिक शेड्यूल ज्यादा है। जैसा कि पूर्व में हमने देखा था कि फोर्थ नाइटली इंस्पेक्शन सेक्शनल के इंचार्ज का ज्यादा था, तो आइए चर्चा करते हैं एसएससीपी इंचार्ज के मासिक शेड्यूल के बारे में, जिनमें पहला है एलसी के शेड्यूल की चर्चा अभी अभी हम कर चुके हैं। इस असेट का इंचार्ज एवं सेक्शनल के द्वारा बारी बारी से एक महीने के अंतराल पर निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा इंचार्ज एसएससीपीवी के द्वारा मासिक किए जाने वाले निरीक्षणों में से है एटी वेल्डिंग इंस्पेक्शन। जब भी इंचार्ज एसएससीपीवी के सेक्शन में वेल्डिंग कार्ड चल रहा हो तो एटी वेल्ड इंस्पेक्शन किसी भी एक वेल्डिंग टीम का उन्हें उस मास में इंस्पेक्शन उन्हें करना आवश्यक होता है। दूसरा होता है यूएसएफडी टेस्ट चेक। जब भी इंचार्ज एसएससीपीवी के सेक्शन में यूएसएफडी टेस्ट की जांच कर रही हो तो उन्हें उन जांच के साथ सम्मिलित होना है और उनके साथ कम से कम दो घंटे बिताने हैं। उन दो घंटे के अंतराल में वे यूएसएफडी की कार्य पद्धति को देखेंगे, उनके साथ काम करके देखेंगे, क्या जांच कर रहे हैं देखेंगे, समुचित जांच हो रही है या नहीं हो रही है, ये सभी चीजों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त करनी होती है। नाइट इंस्पेक्शन एसएससीपी इंचार्ज के द्वारा प्रत्येक महीने में एक बार उनके सेक्शन का नाइट इंस्पेक्शन करना आवश्यक होता है। मॉनसून पेट्रोलिंग, जब भी मॉनसून पेट्रोलिंग चल रही होती है तो महीने में एक बार मॉनसून पेट्रोलिंग का भी इंस्पेक्शन उन्हें करना होता है, और हॉट वेदर पेट्रोलिंग, जब भी गर्मी की पेट्रोलिंग चल रही होती है तो उन्हें दिन के दौरान में हॉट वेदर पेट्रोलिंग भी करना, पेट्रोलिंग का इंस्पेक्शन भी करना होता है। और नेक्स्ट है नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन या एसएससीपी इंचार्ज के द्वारा महीने में एक बार नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन करना आवश्यक होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मॉनसून पेट्रोलिंग का जो समय होगा इंस्पेक्शन का, वह सामान्यतः रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में रखा जाता है, और हॉट वेदर पेट्रोलिंग दोपहर के 12 बजे से लेकर के 4 बजे शाम के बीच में किया जाना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होते हैं कि इंचार्ज एसएससीपीवी के द्वारा प्रत्येक मास में एटी वेल्डिंग साइट का इंस्पेक्शन, यूएसएफडी टेस्ट चेक का इंस्पेक्शन, नाइट इंस्पेक्शन, मॉनसून पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन, हॉट वेदर पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन और नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन किया जाता है। तो आप इस ढंग से इसे आसानी से याद रख पाएंगे कि वंस इन अ मंथ, यानी कि वे असेट जिनका कि महीने में एक बार इंस्पेक्शन करना होता है वो ज्यादातर एसएससीपीवी इंचार्ज के द्वारा ही किए जाते हैं, और जेईपीवी एसएससी सेक्शनल के द्वारा सिर्फ लोको, ब्रेक वन और रियर विंडो इंस्पेक्शन किया जाता है। लेवल क्रॉसिंग और सैंडहम महीने में एक बार किया जाता है, पर दोनों के द्वारा अल्टरनेट के तौर पर किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।